बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सईद हुसैन हैदर इस वक्त सेक्टर F2 मुजाहिद टाउन रोड मीरपुर के ऊपर हम लोग आए हैं और यहाँ पे मेहरबान कुशन एंड फर्नीचर मेकर शॉप जो कि मोहम्मद मेहरबान अंसारी साहब की है, यहाँ पे हम आए हुए हैं। माशाल्लाह से मोहम्मद मेहरबान अंसारी साहब ने ये दुकान पिछले 10 साल से बनाई हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है सिलाई करते हैं, सोफ़ा के कपड़े की कुशन बनाते हैं और सोफ़े तैयार करते हैं माशाल्लाह से। ये जो है तकरीबन सुबह 8 बजे शुरू करते हैं और शाम 8 बजे तक काम करते हैं। ये बताइएगा मेहरबान अंसारी साहब के महीने में आपकी आमदन कितनी हो जाती है तकरीबन? सर ये 15 से 20 हज़ार हो जाती है और ये रेगुलर काम नहीं होता है, ये जो है सीजन वाइज इसकी तकलीफ होती है। सीजन वाइज होती है, सीजन कब होता है ये सर? तकरीबन 9 और 10 महीना जो इसमें काम ज़्यादा होता है। अच्छा, और जब मौसम में बाहर आता है तीसरा जो महीना। तो ये बताइएगा कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? जी पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी जमात में? ये बड़ी बेटी है जो मेरी वो 5 क्लास में पढ़ रही है, बच्चे जो दोनों छोटे हैं वो 2 क्लास में पढ़ रही है। अच्छा, तो जो आपकी बीवी है वो भी कोई काम करती है, सिलाई कढ़ाई करती है? का कोर्स आ रही थी वो मिसाइल की वजह से मुझे छोड़ दी है, सिलाई का काम है वो करती हूँ। तो महीने के वो कितने बन जाते हैं? 4 से 5 हज़ार। अच्छा, मतलब कतरा कतरा दरिया बन जाए, बड़ी अहम चीज़ है और आजकल तो ज़रूरत भी है कि जितने अखराजात बढ़ गए हैं कि मियाँ बीवी दोनों मिल के काम करें, वरना तो घर चलता नहीं है। तो ये बताइएगा कि अगर आपने जो है इस काम को जाना बढ़ाना हो तो आपको तकरीबन कितने और रकम की ज़रूरत है? हम तो कहते हैं सर जी हमें कम से कम अगर 3 लाख रुपये मिले तो ज़्यादा बेहतर है, हम इस काम को काफ़ी। अगर आपको 3 लाख मिलता है जो कि मुश्किल काम है, तो आप मुझे ये बताएं कि जी कितनी आपकी आमदन हो जाएगी? 3 लाख से मेरी आमदनी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ अगर जहाँ पे हम अगर 25 हज़ार का महीने का कमा दें तो हम 25 के बजाय 4 हज़ार भी हो सकता है हमारा, ज़रा हम सोफे तैयार करके रखेंगे, कस्टमर आएगा उसको खरीदेगा किस देंगे या आप 25 हज़ार रुपये कमाएंगे वहाँ से रिकॉर्डिंग होगी तो किस भी पे करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें प्रॉपर्टी आएगा। तो आप सोफे तैयार करके रखेंगे जी? चलें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइएगा कि आप रहते कहाँ पे हैं? सर सेक्टर है टू साउथ कच्ची वादी है वहाँ पे। वो आपकी अपनी जगह है? सर वो कब्जे की जगह है, कब्जा किया हुआ है, 4 सुकुंबा आबाद है यहाँ पे। अच्छा, बस उन्हीं लोगों के साथ माशाल्लाह। तो पाकिस्तान की नारा लगाएंगे आप इंशाल्लाह? पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।